आई एम लुकिंग वेरी प्रिटी आई थिंक बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. सबको बताना चाहती हूँ मैं यहाँ अकेले रहती थी और बहुत परेशान रहती थी बिकॉज यहाँ शूटिंग करना और अकेले घर पे सब कुछ मैनेज करना, ईटिंग एंड ऑल. एंड फाइनली माई पेरेंट्स आर कमिंग हेयर मुंबई में, दे आर शिफ्टिंग हेयर. माई फादर गॉट ट्रांसफर्ड इन मुंबई, सो दे आर कमिंग नेक्स्ट मंथ. सो दैट्स वाई मे बी अभी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही रह रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो मैं शायद इसलिए बहुत खा पी रही हूँ तो ग्लो कर रही हूँ. बट आई बिलीव इज लाइक एक्टर्स की स्किन, इसलिए बेसिकली मुझे ऐसा लगता है एक्टर्स को तो पता नहीं, जो भी लीड रोल करते हैं या जो यू नो कंटिन्यू कैरेक्टर्स करते हैं जिनको हर सीन में रहना ही रहना है, जैसे थपकी इज इन एवरी सीन, या यू कैन से उड़ान में चकोर इज इन एवरी सीन. तो यू नो मतलब जो मेन लीड्स होते हैं बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा मेकअप करके रखना पड़ता है और बहुत देर तक करके रखना पड़ता है. तो व्हाट आई डू इज़ लाइक मेरी स्किन के लिए आई यूज़ मिनरलाइज प्रोडक्ट्स जो कि हार्म नहीं करते हैं. मोटा फाउंडेशन या यू नो बेस लगाने से अच्छा है कि आप थिन लेयर ऑफ मेकअप अप्लाई करो, तो यू नो आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होगी उस चीज़ से. और हमेशा मेकअप से पहले आई पुट लॉट्स ऑफ मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड प्राइमर ऑन माई फेस सो दैट इट वोंट क्लॉग पोर्स. चाहूँगी कि ऑब्वियसली मेकअप करना अच्छा नहीं होता, बट ड्यू टू दिस इंडस्ट्री हमें करना पड़ता है, आप लोगों के लिए हमें करना पड़ता है. और मैं टिप्स यही देना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अगर आप मेकअप करते हैं तो पानी पीते रहें, बिकॉज इट रियली हाइड्रेट्स योर स्किन एंड कीप्स यू ग्लोइंग. और ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, आई ईट लॉट्स ऑफ पोमोग्रेनेट्स, मेरे रूम में हमेशा रहता है. तो बेसिकली मैं खाने से ज़्यादा फ्रूट्स इनटेक करती हूँ सो दैट स्किन भी अच्छी रहे.